नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लो और घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि चैनल के सब वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले आपको। दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख के आपको थोड़ा सा अंदाजा आ गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। 100 CV, 100 रिज्यूम, 100 कंपनीज क्या है सर, क्या किस बारे में आप बात कर रहे हो? तो आज मैं थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छे तरीके से अगर एक सटीक तरीके से अगर आप दुबई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको कोई भी बात यहाँ पे इम्पॉसिबल ऐसे नहीं है। काफ़ी लोग सारे लोगों को ये लगता होगा कि सर नहीं, मतलब हमें कोई चांस नहीं मिल रहा है, हमें रिप्लाई नहीं मिल रहे है, हमें किसी कंपनी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो ये बातें सारी भूल जाओ दोस्तों। ठीक है, जो पहले हुआ सारा भूल जाओ। अभी आप अगर आप एक फ्रेश माइंड से सोचते हो, एक फ्रेश मतलब कि सोच लो कि जो हुआ सो हुआ, अभी मैंने जो गलतियां लास्ट में की है वो अब मैं इन फ्यूचर गलतियां नहीं करूंगा, ये अगर सोचकर आप ट्राई करते हो तो आपको जरूर सक्सेस मिलने वाली है। और इसमें मैं आपके साथ हूँ दोस्तों, जो मैं पल पल में आपको इतने सारे वीडियोस बना के मैं मोटिवेट करता रहता हूँ, नई नई इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, तो बस आपने अभी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो अभी मैं आज कुछ पॉइंट आपके सामने क्लियर करने देना चाहता हूँ। तो आज का हमारा वीडियोज है, आपने बस 100 CV 100 रिज्यूम कंपनी को भेजने दोस्तों, 100 से ऊपर एक भी नहीं, 100 से एक कम भी नहीं, मगर वो कैसे किस तरीके से, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो आज मतलब मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा दोस्तों। अभी आपने क्या करना है, हर किसी की एक लिमिट होती है, एक सोचने की ताकत अलग होती है, या हर किसी का IQ अलग होता है दोस्तों। ठीक है, तो उस हिसाब से आज से जैसे ही आपने ये टिकट ये वीडियो देखा तो आपने ये काम शुरू करना है। तो आपने क्या करना है, काफी सारे लोग बोलेंगे सर ये हमने पहले ही कर चुके हैं, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ वीडियो आपने पूरा देखना है और ये बात नहीं करनी कि सर ये मैं करके बैठा हूं, बस ये भूल जाओ आप कि आपने ये पहले कर लिया है। तो आपने क्या करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप जिस भी फील्ड में काम करते हो ना, जिस भी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, चाहे सेल्स हो, सिविल हो, IT हो, हार्डवेयर हो, ऑटोमोबाइल हो, मैकेनिकल हो, कोई भी फील्ड हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, कोई भी, तो आपने क्या करना है दोस्तों, पहले तो CV होता है आपके पास। ठीक है, CV के बारे में बाद में बात करूंगा मैं आपको। आपने यहाँ पे दुबई की जो कंपनियां आपके फील्ड की है उसकी लिस्ट निकालनी शुरू करनी है। ठीक है, आपने 100 ऐसी कंपनी की लिस्ट निकालनी है दोस्तों जिसमें जो डायरेक्टली कंपनीज हो। इसमें आपने ये एक बात ये करनी है दोस्तों, इसमें दो जो पॉइंट्स है वो कवर करने हैं कि जो आप 100 कंपनीज निकाल रहे हो उसमें कोई थर्ड पार्टी कंपनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि काफी सारे जो मैन कंपनीज ऐसे होते हैं ना जो मैन पावर की तरह होती है, मतलब वो इंडिया से होती है, वो लोग आपको रिक्रूट करके लेंगे या वो लोग आपसे पैसे खाएंगे, ऐसी कंपनी आपने नहीं चूज करनी है। जो भी आप ये 100 कंपनीज निकालोगे वो प्रॉपर UAE बेस्ड कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, वो कोई थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए या मैन फोर्स कंपनी, मैन पावर प्रोवाइड करने वाली कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपका CV एक राइट हैंड में जाना चाहिए, किसी एजेंट के पास नहीं जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आपको बिना मूल्य मतलब बिना पैसे गवाए आपको दुबई जॉब मिल जाएगा दोस्तों। अब ये कैसा पॉसिबल है, तो किस तरीके से, किस पॉइंट को आप कवर करके कैसे कंपनी आप सर्च कर। मैंने एक्चुअली 2 वीडियो पहले बना के रखे हैं। अब अगर किसी को गूगल में कंपनीज ढूंढनी नहीं आती है तो वो लोग मेरे वो 2 वीडियो देख सकते हैं, मतलब दोनों एक ही वीडियो है मगर एक पुराना वर्जन है, एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो दोनों में से एक भी वीडियो आपने देख लिया तो आपको एक अच्छी भली आइडिया आ जाएगी कि दुबई में आपकी फील्ड की कंपनी आपने किस तरीके से ढूंढनी है। तो इस तरीके से आपने आइडिया लेनी है। ठीक है, जैसे आपको पता चल गया कि हाँ मुझे पता है अभी गूगल में मैं किस तरीके से अपनी कंपनी
अपनी फील्ड की कंपनी, समझ लो इमेजिन करो आप सेल्स वाली कंपनी ढूंढ रहे हो, या कोई सेल्स का जॉब ढूंढ रहे हो, कोई अकाउंटेंट का जॉब ढूंढ रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब ढूंढ रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेंट ये कॉमन जॉब्स होते हैं दोस्तों, ये हर किसी कंपनी में है ठीक है, मगर कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जो उसी कंपनी में, जैसे कि कोई वेब डेवलपर हो तो वो आईटी कंपनी में ही जॉब कर सकता है, वो एडवर्टाइजिंग कंपनी में ही जॉब कर सकता है। तो उन्होंने क्या करना है, जो आईटी वाला बंदा है उसने आईटी कंपनी जाके लिस्ट निकालनी है, 100 लिस्ट, 100 से 1 भी कम नहीं, 100 से 1 ज्यादा भी नहीं ठीक है। चाहे किसी बंदे को ये 2 दिन का काम लगे, किसी बंदे को 1 हफ्ते का, या किसी बंदे को वो 1 महीने का, मगर उसके पहले आपने किसी कंपनी को सीवी भेजना नहीं है, आपने एक प्रॉपर तरीके से एक डॉक्यूमेंटेशन वाली एक्सेल शीट बनानी है जिसमें वो कंपनी का नाम हो, कंपनी किस सिटी में है, दुबई में है, अबूधाबी में है, शारजा में है, ये आपने निकालनी है। उस कंपनी का ईमेल आईडी, अगर किसी किसी कंपनी का ईमेल आईडी 2-3 होते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आपको डायरेक्टली एचआर का ईमेल आईडी मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, दूसरी बात कॉन्टैक्ट का ईमेल होता है उसमें भी आप भेज सकते हो, अगर उस कंपनी ने करियर का ईमेल जनरेट करके रखा है तो ढूंढो उसको ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ किसी बंदे को 2 दिन लग सकते हैं, किसी बंदे को 1 हफ्ता, या किसी बंदे को 1 महीना। तो इसके पीछे आराम से कीजिए कोई भी काम, अगर आप आराम से करते हो, ठंडे दिमाग से करते हो, तो वो बहुत अच्छे तरीके से होता है दोस्तों। तो आपने यही करना है, ठंडे दिमाग से 100 CV निकालनी है, जल्दबाजी कोई करनी नहीं है, क्योंकि आप जल्दबाजी करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी ठीक है। इस तरीके से जब आपके पास 100 कंपनीज होंगे, उनके ईमेल होंगे, समझ लो आपको कोई कंपनी का एक इन्फो वाला ईमेल मिल गया, जितने भी आपको ईमेल मिलते हैं उनके ठीक है, जितने भी आपको ईमेल मिलते हैं उस कंपनी के आप इकट्ठा कर लो, इन्फो हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, करियर हो गया, एचआर हो गया, समझ लो ये कोई ईमेल वहां पे नहीं दिया है तो वहां पे ढूंढिए कि वहां पे कोई करियर वाला उन्होंने कोई फॉर्म जनरेट करके रखा है जहां पे आप एप्लीकेशन टाइप कर सकते हो, उस तरीके से ये बाजू में रखिए। इस तरीके से एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाइए अपने पास, उससे सारे ईमेल आईडी जो आप कॉपी पेस्ट करते हो वो ठीक तरीके से कीजिए, क्योंकि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक आपने गलती से भी नहीं करनी है। काफी टाइम पे ऐसा होता है कि वो ईमेल आप भेजते हो तो बाउंस बैक होता है, तो वो कंपनी एक तो बंद पड़ी होती है, तो इसलिए आप वो भी देख लीजिए कि ये ऐसा ना हो कि वो कंपनी बंद पड़ चुकी है, या उसका जो वेबसाइट होस्टिंग है, वेबसाइट वेब सर्वर है, वो बंद है। काफी सारी कंपनी ऑन होती है मगर उसका उन्होंने वेबसाइट रिन्यू नहीं की होती है, या वेबसाइट उन्होंने होस्टिंग जो भी है वो रिन्यू नहीं की होती है ठीक है। तो इस तरीके से एटलीस्ट आपके किसी भी कंपनी का हो तो आपके पास 2 ईमेल्स होने जरूरी है दोस्तों। मगर इसमें क्या करना है, आपने 2 बातें को ध्यान रखना है कि अपना अपना सीवी किसी थर्ड पार्टी के हाथ में नहीं जाना चाहिए, डायरेक्ट कंपनी के हाथ में जाना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो ईमेल आपका सीवी है वो किसी एजेंट के पास नहीं जाना चाहिए। एजेंट के पास जाएगा तो क्या होगा, वो आपको आगे जाकर पैसे मांगेगा, या इसी काफी सारे फेक ईमेल्स, काफी सारे फेक ऑफर लेटर सभी को मिलते हैं आजकल, मुझे लगता है हर किसी के पास 10-15 ऑफर लेटर पड़े होंगे अपने ईमेल में, तो इस तरीके से आगे भी नहीं आएंगे आपको अगर आप ये सावधानी करते हो तो ठीक है। आपको अगर लग रहा है कोई कंपनी ये नहीं लग रही है तो उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालिए, वो भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है कि किस कंपनी की आप इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हो, कि ये वेबसाइट कब बनी है, वेबसाइट अभी अभी फिलहाल तो नहीं बनी है, ये 5-10 साल पहले की अगर वेबसाइट है तो अच्छी कंपनी है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये करके आपने इन ये जो सारी कंपनीज आपने निकाली है दोस्तों, इनको आपने फिर ईमेल भेजना शुरू करना है, मगर ये जब ईमेल आप भेजोगे तभी भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों। जल्दबाजी मतलब काफी सारे लोग क्या करेंगे, 25-30 ईमेल उठा लेंगे, डाल देंगे टू में और भेज देंगे, तो इस तरीके से नहीं करना है दोस्तों। ट्राई कीजिए 1x1 ईमेल भेजने के, 2 तरीके होते हैं ईमेल भेजने के, एक 1x1 100 लोगों को अलग अलग ईमेल भेज सकते हो आप, दूसरा तरीका ये है कि 2 में खुद का ही ईमेल एड्रेस लिखना है और उन बंदों को आपने BCC या CC में लिखना है 1x1। CC में मेरे हिसाब से मत डालिए, BCC में आप 10 ईमेल डाल सकते हो, मगर एक सटीक तरीका अगर देखा जाए तो ये सटीक तरीका यही है कि आप 1x1 ईमेल भेजें, 2 में उनका ईमेल लिखना है 1x1, एक साथ 10 कंपनियों को ईमेल नहीं भेजना है, और आप जो ईमेल भेज रहे हो दुबई में किसी कंपनी को, वो ईमेल आपने दुबई का टाइम 8 से 10 बजे के बीच में आपने भेजना, दुबई का टाइम 8 से 10 बजे के बीच में भेजना। तो दुबई के 8 बजे
उस टाइम पे इंडिया में कितने बजे होते हैं वो चेक कर लीजिए और उस हिसाब से आपने सीवी भेजना है। बहुत टाइम निकाल के आपको मैं ये वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, ठीक है? तो इसको एक्चुअली आप थोड़ा सा हो सके तो प्रॉपर तरीके से देखा करें, पूरा देखा करें, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मैं कवर करता हूँ। और जब आप ये 100 CV भेजोगे तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, मैं आपको आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि आपको 100% 5-10 से ऊपर रिप्लाई आएंगे ही आएंगे। आपके साथ ये हो ही नहीं सकता कि आपको किसी कंपनी से रिप्लाई नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ 100 CV में से 100% आपको 5-10 ईमेल के रिप्लाई आ जाएंगे, मगर इसमें आपने सीवी भी अच्छे से बनाना है। अभी ये सीवी वाली बात मैं इसमें नहीं घुसेड़ूंगा, ठीक है? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सीवी प्रॉपर तरीके से बनाए, सीवी में मैं कुछ पॉइंट अभी क्लियर कर देता हूँ शॉर्ट में। आपने सीवी में एक्सपीरियंस जो होता है ना, आपका एक्सपीरियंस वो अच्छे तरीके से लिखना है। काफी सारे लोग बस वन लाइन में लिख लेते हैं कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे, ऐसा नहीं करना है। जो आपका एक्सपीरियंस है ना वो आपने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है, और कंपनी में आपने क्या काम करते हो या काम क्या किया है ये आपने भी लिखना है। इसके लिए आप लिख सकते हो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। काफी सारे लोग बोलेंगे छोटे छोटे बातें क्यों लिखनी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने छोटी छोटी बातें भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कवर करनी है। तो ये नई कंपनी को पता चल जाता है दुबई वाली कि आपको ये एक्सपीरियंस है, आपको ये काम पता है। फ्रेशर लोगों के लिए तो बोला हूं कि वो सेल्स जॉब ढूंढ सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, शेयर जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, ठीक है? ऐसे ही वीडियो के साथ और मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।